तो देखिए साफ बात कि हम महागठबंधन के लोग एकजुट हैं और कोई कार्यक्रम हुआ है तो हम लोगों ने साथ मिलकर के वो किया है और हम लोगों का पहले से पुरजोर तरीके से पूरा समर्थन हम लोगों को जो केंद्र विद्यालय को लेकर के अनशन पे जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जी ने बैठने का काम किया हम लोगों का समर्थन रहा है। सवाल ये है कि सरकार सत्ता के नशे में चूर है और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की चिंता नहीं है, युवाओं की चिंता नहीं है, शिक्षा की चिंता नहीं है, स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, बेरोजगारी की चिंता नहीं है, महंगाई की चिंता नहीं है, आप देखिएगा बाढ़ सुखाड़ की चिंता नहीं है, उनको चिंता केवल केवल जो है वो अपनी कुर्सी बचाने का है। आप बताइए कि कौन सा ऐसा मांग हम लोग मांग रहे हैं जिसको सरकार मानने को तैयार नहीं है। ये दो केंद्रीय विद्यालय अगर बनेंगे तो इसको फायदा और लाभ जो है बिहार के गरीब बच्चों का होगा, जिससे कि बिहार के भविष्य जो होंगे बेहतर होंगे और शिक्षा स्कूल की के लिए हम लोगों को अनशन पर बैठना पड़ रहा है। और दुखद बात यह है कि सरकार जो है पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है, यानी साफ संदेश ये है कि विपक्ष के लोग चाहते हैं बिहार में स्कूल बने और नीतीश कुमार चाहते हैं बिहार में स्कूल ना बने। हम लोग चाहते हैं बेहतर अस्पताल बने, नीतीश कुमार चाहते हैं बेहतर अस्पताल ना मिले। हम लोग चाहते हैं नौजवानों को रोज़गार मिले और नीतीश कुमार चाहते हैं रोज़गार ना मिले। हम चाहते हैं महंगाई कम हो, नीतीश कुमार चाहते हैं महंगाई कम ना हो। हम चाहते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले, लेकिन नीतीश कुमार जी को इसकी चिंता नहीं। हम चाहते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुधरे, सब सुरक्षित रहें, लेकिन नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार में अपराधियों का बोलबाला रहे। और ऐसी कौन सी मांग है जो सरकार जो है एनओसी केवल देना है? ज़मीन उपलब्ध है, हर चीज़ें उपलब्ध हैं, पहले से भी स्वीकृत हो चुका है ये। और हमारे सरकार के समय में भी कई केंद्रीय विद्यालय जो हैं वो दिया गया था, जिसके लिए ज़मीन नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया। काफ़ी बिहार में इशू है, लेकिन नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा। जैसा जगदा बाबू जी ने बताया, ये सरकार एकदम असंवेदनशील है और इसको कोई परवाह नहीं, काम करने की, विकास करने की कोई चिंता नहीं है। और एक भी सरकार के द्वारा कोई भी उपेंद्र कुशवाहा जी से हाल चाल तक पूछने नहीं आया, समस्या को जानने नहीं आया। यानी ये साफ तौर पे ये सरकार का इंटेंशन है कि सरकार चाहती नहीं है कि केंद्र विद्यालय बने। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।